समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान मंगलवार को प्रयागराज पहुंचकर अपने वकील से मिले और अपने ऊपर दर्ज मुकदमों पर बात की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में उनका दर्द भी छलका और अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए कई तंज कस दिए। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर आजम खान ने खुद को कहा कि मैं आम नागरिक नहीं बल्कि मुर्गी चोर और बकरी चोर हूँ। देखिए, हम बाइज़ा शहरी नहीं हैं और आपका बाइज़ा शहर है। हम मुर्गी के डकैत हैं, भैंस के डकैत हैं, बकरी के डकैत हैं, किताब के डकैत हैं, फर्नीचर के डकैत हैं। और हम 10 बार के विधायक, 2 बार के MP, 4 बार मिनिस्टर, 1 बार लीडर अपोजिशन, मंत्री रहते हुए हमने, हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर बीवी ने 2 बार करा हुआ MLA MTech गलकोटिया से किया हुआ बेटा, हम 3 ने मिनिस्टर रहकर शराब की दुकान लूटी है और 16,900 रुपया गल्ले से डाका मारा है। जिस व्यवस्था का स्टेटस ये हो, जिनका ये मयार हो, क्या जानना चाहते हैं आप? इलाहाबाद तो इंसाफ का ज़िला है, यहाँ से तो इंसाफ बढ़ता है। हम डकैत उससे महरूम हैं, अभी आप दिलवा दीजिए। सर, एक सवाल पॉलिटिकल है। राजभर जी लगातार नसीहत दे रहे हैं अखिलेश यादव को, अभी उन्होंने ये कहा कि ऐसी से निकलने की ज़रूरत है उन्हें। क्या लगता है कि वाकई में अखिलेश यादव घर में ही? हमने उन्हें धूप में खड़े तो कहीं देखा नहीं। जिस दिन धूप में खड़ा देखेंगे उस दिन राय दे देंगे।